हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एफपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, मैं हिमांशु क्लियर आईपीएस क्लर्क एग्जाम एंड सेलेक्टेड इन बैंक ऑफ इंडिया। आप लोगों के लिए आज दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट की एक अच्छी अजल लेके आया हूँ मैं दोस्तों। तो इसका पहले मैं बेसिक बताऊँगा कि सीटिंग अरेंजमेंट जो सर्कल या रेक्टेंगल वाला होता है ना, उसके अंदर लेफ्ट कौन सा होता है, राइट कौन सा होता है, इसका पहले बेसिक बताऊंगा मैं, फिर ये क्वेश्चन करेंगे अपन। क्योंकि दोस्तों अजमेर क्लर्क की जो तैयारी कर रहे हैं ना, तो प्री के अंदर इस टाइप की पजल आएगी दोस्तों, 5 क्वेश्चन आएंगे, तो अपन को अभी से कमांड बनानी है। तो वीडियो पूरी देखना दोस्तों, लास्ट तक बने रहना वीडियो के। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों कमेंट किया करो दोस्तों, जो भी लगे आपको कोई डाउट हो तो भी कमेंट करो, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो दोस्तों @FPSuccessClasses, और वीडियो लाइक करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों। और जिनको एसबीआई क्लर्क की सैलरी स्लिप देखनी वो भी अपलोड कर दी है, और जो आरआरबी के लिए ही जा रहे हैं कि केवल आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, तो आरआरबी पीओ का एक मॉक मैंने दिया है, उसका स्कोर कार्ड मैंने शेयर किया है, वो देख लेना आप। उसमें ये भी बताया कि कैसे अपन को अटेम्प्ट करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपन को मार्क्स मिले, ठीक है। तो पहले ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, ठीक है, फिर मैं आगे बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। पहले वीडियो रोक के आप ट्राई करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने ट्राई किया होगा, तो पहले मैं पीछे इसके क्वेश्चन नहीं लाया हूँ दोस्तों, क्वेश्चन मैं आपको खुद ही बता दूंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है सीटिंग अरेंजमेंट का, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। मैंने टेलीग्राम चैनल पर आज यहाँ से सीख के आप किस टाइप से अप्रोच रखनी है, वो सो काफ़ी अच्छी अप्रोच बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। तो उसी की फिर आप तुरंत प्रैक्टिस कर लेना आज, टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ डाउनलोड करके फिर प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो पहले मैं बेसिक बता रहा हूँ उसका, ठीक है ना, तो उस पर फोकस करना थोड़ा। जैसे जैसे अपन को बोला है दोस्तों सर्कल के अंदर, ठीक है ना, ये सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर बोला है ये पर्सन, ठीक है। खुद को मान के फील करो दोस्तों, अगर ये पर्सन दोस्तों देखो इनसाइड देख रहा है, अंदर की तरफ देख रहा है, जैसे आप खुद को सोच लो किसी टेबल के आप चारों तरफ बैठे हो, कुर्सी लगाए आप घर पर, फील कर लो पहले इसको एक बार, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। अंदर बैठे हो तो ऑब्वियसली अपने आप को बैठाओ, और अपना लेफ्ट हैंड किधर है, अपना लेफ्ट हैंड इधर है, तो ये लेफ्ट साइड होती है, ये लेफ्ट साइड होती है दोस्तों, ठीक है। अपना राइट किधर है, अपना राइट इधर है, तो ये राइट साइड होती है। अब कहीं भी चले जाएं जैसे अपन, ठीक है, जैसे कि अपन दिख रहे हैं, हाँ ठीक है, जैसे अपन इस जगह बैठे हैं, है ना, अगर इस जगह बैठे हैं फिर भी इन साइड देख रहे हैं तो भी सेम ही होगा दोस्तों। यहाँ आपको बिठा लो तो भी लेफ्ट इधर ही होगा, इधर लेफ्ट होगा आपका, ठीक है, इधर राइट होगा। तो खुद को फील करके देखो, ठीक है, तो सेम यही चलेगा, तो इधर की साइड तो लेफ्ट चलेगा और इधर राइट चलेगा, समझ में आया। तो बिठा बिठा के देख लो, यहाँ पे अगर कोई पर्सन है तो इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा, समझ में आया क्या। अब चलते हैं अगर आउटसाइड वाले केस में, अगर कोई पर्सन आउटसाइड देख रहा है तो ऑब्वियसली बात है इनसाइड में जो था उसका अपोजिट हो जाएगा ये, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर राइट हो जाएगा, ठीक है, और इधर लेफ्ट हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे बैठेगा तो भी इधर लेफ्ट हो जाएगा, उल्टा करना है उसका, इधर राइट हो जाएगा। खुद को बैठा के आप फील करके देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट में ना, जब 8 पर्सन दे रखे हो ना, 8 पर्सन, ठीक है, और इसमें बोलता है कि कोई भी पर्सन अगर बोलता है फोर्थ, जैसे पी के बारे में बोल रहा है, पी इज़ फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस, ठीक है, अगर 8 पर्सन में फोर्थ आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्लियर हो गया पी और एस आमने सामने आएंगे, समझ में आया, अगर फोर्थ बोल रहा है तो। अगर ये जहाँ पे भी फोर्थ टू द लेफ्ट होगा ना, तो आपको वहाँ पे कंडीशन ऐसा बनाना नहीं कि ये इसके लेफ्ट में होगा, ये राइट में होगा, आपको इसके आमने सामने बना दो, ठीक है ना, बस वो चेक लो, डायरेक्शन के लिए ज़रूरी है तो आप लिख लो कि इसके लेफ्ट में है, ठीक है ना, समझ गए। और अगर 10 पर्सन होंगे ना, 10 पर्सन, तो यहाँ पे 5th आ जाएगा, कहने का मतलब, समझ गए। तो कहने का मतलब अगर 4th टू द लेफ्ट है तो इनके बीच में 3 पर्सन आएंगे, 8 पर्सन है तो 3 आएंगे, 10 पर्सन है तो बीच में 4 पर्सन आएंगे, अगर कोई आमने सामने बैठा है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और अब अपन डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझते हैं कि कैसे करना है अपन को, ठीक है, तो ध्यान से देखना है अप्रोच। पहले मैं पूरी पजल पढ़ूंगा आपके साथ साथ, और कंडीशन नोट करता जाऊँगा, तो आप भी मेरे साथ साथ कंडीशन नोट करते जाओ, फिर इसको ट्राई करना, ठीक है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, कंडीशन नोट करते जाते हैं, वैसे ही नोट करना जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना।
स्टार्ट करते हैं 8 पर्संस, और जहाँ पे ध्यान रखना है वो चीज़ मैं बताऊँगा, तो उसको आप नोट में लिख लो अगर आप बिगिनर हो तो। 8 पर्संस आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, 8 लोग सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हैं। हिंदी में भी समझा रहा हूँ तो हिंदी मीडियम वाले भी देखो, हिंदी में ही बोल रहा हूँ मैं पूरा। सम ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर वाइल सम ऑफ द आर फेसिंग इनसाइड द सेंटर, इसका मतलब ये 8 लोग बैठे हैं, कुछ अंदर है कुछ बाहर है, ठीक है। वी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ W, ठीक है। अब कंडीशन आती जा रही है तो अपन अब कंडीशन नोट करते हैं, ठीक है। वी का बैठा है और अपन को एक बार ही पढ़ना है, तो W के थर्ड लेफ्ट में है ना, तो W के थर्ड लेफ्ट में वी बैठा है तो उसको ऐसे लिख दो, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, एज सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P, पी के सेकंड लेफ्ट में एज बैठा है, अभी डायरेक्शन किसी का कुछ नहीं पता है। आगे टी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस, टी का बैठा है एस के थर्ड राइट, एस के थर्ड राइट में टी बैठा है, ठीक है। ये मर्ज हो जाती है अगर डायरेक्शन पता होती तो, ठीक है। आगे चलते बोथ टी एंड क्यू आर फेसिंग सेम डायरेक्शन एज वी, तो इसका मतलब ये हो गया टी क्यू वी, ये तीनों ऐसे लिख दो आप सेम डायरेक्शन, है ना, सेम लिख दो आप, तो आपको याद रहेगा कि तीनों की सेम डायरेक्शन है, ठीक है। ठीक है, तो टी क्यू वी तीनों सेम डायरेक्शन में, ये नोट कर लिया अपन ने, ठीक है। फिर आगे चलेंगे, यू सिट्स अपोजिट टू क्यू, अपोजिट बैठा है ना, यू और क्यू अपोजिट बैठा है, तो इसका मतलब क्या, इनके बीच में 3 पर्सन है, तो अपोजिट को अपन डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अपोजिट बैठा है तो ये भी लिख दो, यू और क्यू के बीच में 3 पर्सन ही, आपको मैंने अभी बताई थी 8 पर्सन होते थे। एंड क्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू और एस नेबर नहीं है, ठीक है। तो Q is not an immediate neighbor of us, Q और us का neighbor नहीं है, तो उस condition को अपन को कैसे लिखना है, देखो वापस सही बताता हूँ, Q और us ऐसे लिखना है फिर क्रॉस कर देना है, इसका मतलब Q और us neighbor नहीं है। आगे बोला S, फिर बोला who is facing opposite direction of P, तो ये जो who आया ना, ये who आता है दोस्तों जस्ट पास वाले के लिए, तो S के लिए आया है, तो ये बोल रहे हैं S is facing opposite direction of P, तो यहाँ पे लिख दो S और P है ना, अलग मत लिखो, ये कंडीशन थी ना, तो दोनों यू लिख दो अपोजिट, और डबल भी लिख दो, तो सब कुछ क्लियर रहेगा कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन। वी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू, ठीक है, वी और यू भी नेबर नहीं है, तो यहाँ पे भी क्रॉस। आर नीदर सिट्स अपोजिट टू टी और पी, ठीक है, आर है ना, आर के अपोजिट में दोस्तों टी या पी नहीं है, ये कंडीशन नोट हो गई, ये क्रॉस, ठीक है। फिर बोथ वी एंड डब्ल्यू आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, ठीक है, तो ई वी और डब्ल्यू वाली कंडीशन ये थी, तो इसके अंदर ही लिख दो सेम, ठीक है। फिर है डब्ल्यू इज फेसिंग इनसाइड द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो यहाँ पे पता चल गया डब्ल्यू इनसाइड है तो वी भी इनसाइड होगा, तो ये दोनों क्या है, इन है, तो यहाँ पे अपन लिख देते शॉर्ट में। वाइल बोथ आर एंड यू आर फेसिंग अपोज सेम डायरेक्शन टू ईच अदर, तो आर और यू की भी सेम डायरेक्शन है, आर यू, ठीक है, इधर लिखते हैं अपन ताकि ध्यान रहेगा अपन, आर यू भी है क्या है, सेम है, ठीक है, ये दोनों, ठीक है। लास्ट में क्या बोलो, बट अपोजिट टू एस, ये अपोजिट है एस से, क्लियर हो गया। तो ये अपन ने कंडीशन नोट कर दी, अब अपन को कैसे बनाना है, ठीक है, तो उस पर अपन को ध्यान देना है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, ठीक है, तो दो केस बना रहा हूँ मैं पहले, अब कंडीशन नोट होने के बाद पजल वापस नहीं पढ़नी है अपन को, ठीक है। तो ये दो सर्कल बना दिए, इधर भी दो सर्कल बन गए, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे भी 8 बिठा दिए। अब ध्यान रखना है कि कौन सी कंडीशन को अपन को पहले लेना है, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले देखना है, अब देखो दोस्तों, W और V और W का पता है कि V और W इनसाइड है, ठीक है, तो V और W वाली कौन सी कंडीशन लें। देखो सबसे ज़्यादा पर्सन किस में बैठ रहे हैं, इसमें कितने बैठ रहे हैं, 1, 2, 3, 4 ही बैठ रहे हैं, जबकि S और P वाली देखो 1, 2, 3, फिर 4, 5, 6, तो सबसे ज़्यादा किस में बैठ रहे हैं, इसके अंदर बैठ रहे हैं, तो ये वाली कंडीशन ज़्यादा सही रहेगी। U और Q को भी लेके अपन क्या करेंगे, तो इसलिए अपन इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं अपन को P को यहाँ पे, ठीक है। अब अपन को डायरेक्शन नहीं पता, तो पहले अपन P को इनसाइड मानते हैं, ठीक है, तो एक P यहाँ लेते हैं, P को आउटसाइड मानते हैं, ठीक है, क्योंकि अपन को कुछ भी नहीं पता है इसलिए, ठीक है। फिर क्या करना है, पी के सेकंड लेफ्ट में ऐसे, तो पी ये रहा तो लेफ्ट इधर होगा, तो पी का सेकंड लेफ्ट 1, 2 एस, ठीक है, पी के सेकंड लेफ्ट में एस, पी आउटसाइड देख रहा सेकंड लेफ्ट एस यहाँ होगा,
ठीक है। अब क्या बोला था, पी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है इसकी पजल का, पी और एस दोनों अपोजिट है। अगर पी इनसाइड है तो एस आउटसाइड हो जाएगा, पी आउटसाइड है तो एस इनसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई, तो इसको क्रॉस कर दो आप, काट दो, ठीक है। फिर क्या बोला था, एस के थर्ड राइट में, इसका मतलब राइट है ये, एस के थर्ड राइट में टी है। अब देखो एस की डायरेक्शन पता है, ठीक है ना, एस का है, एस आउटसाइड, इसका थर्ड राइट, इसका राइट कहाँ होगा, एक दो तीन, थर्ड राइट इधर ही होगा, क्योंकि अगर आउटसाइड देख रहे हैं ना तो ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, उल्टा हो जाता है। तो एस का थर्ड राइट में टी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें इनसाइड है तो एस का थर्ड राइट कहाँ होगा, एक दो तीन यहाँ पे हो जाएगा, तो ये कंडीशन भी कट जाएगी। फिर अपन को क्या करना है सबसे पहली बात, ठीक है। अब देखो बहुत ईजी पजल है, इसमें क्या बोला है, वी और डब्ल्यू सेम है, इनसाइड है, और ये बोला है टी क्यू वी भी सेम है, तो क्या हो गया, टी और क्यू भी इनसाइड ही होंगे, टी क्यू वी डब्ल्यू चार इनसाइड अपन को पता चल गया चारों, ठीक है। बट अब अपन को क्या देखना है, यू और क्यू आमने सामने है, तो इसमें क्या दोस्तों एक क्रॉस बनता है, अगर यू क्यू यहाँ है, यहाँ है, यहाँ 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 है, तो ये अपन को चेक करना है, ठीक है। अब देखो अब अपन को क्या बोला, क्यू और एस पड़ोसी नहीं है। अब देखो यू और क्यू यहाँ सकते क्या, ये प्रश्न कट गया, यू और क्यू यहाँ सकते, ये कट गया, ये कट गया, बचा कौन सा, केवल एक ही बचा है, यू और क्यू यहीं आ सकते हैं, क्योंकि दोनों स्पेस खाली होने चाहिए, तो दोनों स्पेस यहीं खाली है। बट इसमें बोला है क्यू और एस पड़ोसी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे क्यों आ जाएगा, यहाँ पे क्यों आ जाएगा, क्लियर हो गया। क्यों क्यू यहाँ पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि क्यू और एस पड़ोसी नहीं है, ठीक है। यही काम इसमें करना है, इसमें भी चेक करो, दोनों स्पेस खाली होनी चाहिए, यहाँ नहीं आ सकता यू क्यू, यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी यही स्पेस है, और क्यू और एस पड़ोसी नहीं है, तो यू यहाँ आ जाएगा, क्यू यहाँ आ जाएगा, यहाँ तक क्लियर, ये कंडीशन भी कट गई, ठीक है। फिर आगे क्या करना है, ठीक है, हाँ अब बचा है आर के आमने सामने टी और पी नहीं होना चाहिए। अब देखो पी के सामने आर यहाँ नहीं होना चाहिए, टी के सामने आर यहाँ नहीं होना चाहिए, तो ये दोनों जगह कट गए, जगह कितनी बची, एक आर यहाँ आएगा, ठीक है। इसमें भी सेम यही करेंगे, ये आमने सामने आर के आमने सामने पी भी नहीं होना चाहिए, टी भी नहीं होना चाहिए, तो आर यहाँ नहीं आएगा, आर यहाँ भी नहीं आएगा, तो आर कहाँ यहीं आएगा, ठीक है। फिर दो जगह बाकी है, ये दोनों जगह और ये दोनों जगह, ठीक है। अब कंडीशन ये वाली भी कट गई, ये भी कट गई, ठीक है। अब ये बोला है आगे V और U पड़ोसी नहीं है, तो V यहाँ नहीं आएगा, तो V यहाँ आएगा, ठीक है। V और U पड़ोसी नहीं, V यहाँ नहीं आएगा, तो V यहाँ आएगा, ठीक है। तो अब एक पर्सन कौन बचा है, W, यहाँ पे भी W, ठीक है। अब अपन डायरेक्शन से यूज करेंगे, ठीक है। अब डायरेक्शन में क्या बोला था, W के थर्ड लेफ्ट में V और दोनों इनसाइड है। अब देखो ये भी इनसाइड है, ठीक है। अब W के थर्ड लेफ्ट, इसका लेफ्ट इधर होगा, एक दो तीन, यहाँ V आना चाहिए, जबकि तो राइट में आ रहा, तो ये कंडीशन गलत, ठीक है। अब इधर देखेंगे, इधर क्या करेंगे, W के थर्ड लेफ्ट में भी, तो W इनसाइड है, W के थर्ड लेफ्ट में एक दो तीन, या V आ रहा है और V भी इनसाइड होगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये कंडीशन कट गई। फिर आगे बोला T Q V इनसाइड है, तो T और Q भी इनसाइड होगा, T और Q भी इनसाइड होगा, तो दोनों इनसाइड हो गए, ठीक है। अब यह बोला R और U सेम डायरेक्शन है पर अपोजिट टू S, ठीक है। तो S से अपोजिट डायरेक्शन होगी R और U की, तो S क्या इनसाइड है, तो R और U आउटसाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो आउटसाइड वाले कितने हो गए, एक दो और तीन, इनसाइड वाले एक दो तीन चार पाँच, समझ में आ गया। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गई, ये पजल बन गए अपने, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो वापस देखना कि कैसे कंडीशन को अपन को उठाना है, मैंने काफ़ी इजी तरीके से बताया दोस्तों। बहुत सारे क्या आते हैं करते है इसमें कि W दे रखा है इनसाइड, ठीक है, तो W और V ये दोनों की डायरेक्शन पता है, तो पहले इसको उठाते हैं, जबकि इसको उठाते ना तो पॉसिबिलिटी आपकी ज़्यादा बनती है। बट अगर S और P अगर पर्सन गिनते हैं ना कि किस में ज़्यादा पर्सन काउंट हो रहा है, तो उस हिसाब से ये वाली सही बनी, जल्दी बन गई अपने, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएंगे कि कितने पर्सन इनसाइड देख रहे हैं, कितने आउटसाइड देख रहे हैं, फिर ये पूछ लेगा कि पी के थर्ड राइट में कौन है, पी के सेकंड राइट में कौन है, फिर तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, तो बनाना सीखो, कंडीशन कैसे नोट करनी है मैंने बता दिया। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो शेयर करना, वीडियो लाइक करना, और मैं कल अब जल्दी जल्दी पजल भी करवाऊँगा और DI भी करवाऊँगा साथ, क्योंकि अब मेन पार्ट यही स्ट्रॉन्ग करना है अपन, ठीक है दोस्तों। हैव ए नाइस डे।